हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मंथली सैलरी कितनी है और उनके कंपैरिजन में यूएस प्रेसिडेंट की कितनी है? अब वो तो चलो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन क्या आपको पता है महारानी विक्टोरिया के कक्ष से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन चार बार चोरी की गई थी। किसकी? गेस करो। नहीं, सोने की नहीं, चांदी की भी नहीं, ये चोरी की गई थी चड्डी की। आएंग? महारानी के घर से चड्डी की चोरी कौन करता है बे? और यार एक बात समझ नहीं आई, आखिर बांग्लादेशी क्यों इंडिया से 5 रुपए वाले सिक्के की स्मगलिंग लगातार 20 सालों तक करते गए और किसी को भी पता नहीं चला? लेकिन ये 5 रुपए की स्मगलिंग आखिर कोई क्यों करेगा? वेल, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रही है इस वीडियो के अंत तक। लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेज फैक्ट की बातें। नंबर 1, 5 रुपए की सिक्के की स्मगलिंग। ये रहा 5 रुपये का सिक्का, और अब ये रहा सिक्के से बना हुआ ब्लेड, वो भी एक नहीं बल्कि 6-6। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, राइट? बट नो, मैं सीरियस हूँ। 1980 से लेकर 2000 तक बांग्लादेश की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया के 5 रुपए वाले कॉइन स्मगल किया करती थी। क्यों? 2 रुपए वाले 6 ब्लेड बना देते थे, मतलब एक 5 रुपए के सिक्के से 6-6 ब्लेड, और 6 × 2 = 12 rupees। 5 रुपए का सिक्का बदल दिया 12 रुपए में, 7 रुपए का मुनाफा कमा लिया। गजब। मतलब देख रहे हो ये बांग्लादेशी खुद को कितना चालाक समझते थे। पर क्या लगता है आरबीआई किसी से कम थोड़ी ना है? तो आरबीआई वालों को जब ये पता चला कि 5 रुपए का 50% सिक्का बांग्लादेश और कोलकाता के बॉर्डर से एक्सपोर्ट के टाइम पर गायब हो रहा था, तो आरबीआई वालों ने कोलकाता पुलिस वालों से तालमेल बिठाया और पुलिस ने सबूत ढूंढ ढूंढ कर स्मगलर्स का कच्चा छिट्टा खोल डाला और इस स्मगलिंग को स्टॉप करा डाला। और इसके बाद आरबीआई वालों ने 5 रुपए के सिक्के का मटेरियल ही बदल डाला, मतलब हाई क्वालिटी वाले फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में ना बनाकर लो क्वालिटी वाले कॉपर निकल का बनाना शुरू कर दिया। लगा दिया उल्टा चम्मट इन स्मगलर्स के मुंह पर। सीधी सी बात है, अब स्मगलिंग करके क्या फायदा, 5 का 12 तो होने नहीं वाला। नंबर 2, चमकने वाला पासपोर्ट। अब फ्रेंड्स ये देखो, ये है कनाडा का पासपोर्ट जो दिन और लाइट दोनों के उजाले में ऐसा दिखेगा, पर अगर रात के अंधेरे में या बंद कमरे में रखोगे तो वो ऐसे चमकने लगेगा, है ना, एकदम कमाल धमाल। लेकिन ऐसा किसी देश को अपने पासपोर्ट्स को इतना ज्यादा रंग बिरंगे और क्रिएटिव बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वेल, इसके पीछे की कहानी ये है कि सन 2013 में कनाडा के पासपोर्ट प्रोवाइडर्स ने पासपोर्ट में एक हिडन और सीक्रेट यूवी लाइट लगाया, जिसने ऑफ कोर्स कैनेडियन पासपोर्ट को दिखने में तो इतना यूनिक बना दिया, सिक्योरिटी चेक के लिए भी काफी इजी हो गया था। और इसके अलावा क्योंकि ये बने होते हैं इनविजिबल फ्लोरोसेंट फाइबर से, जो फोटोकॉपी करने पे कॉपी भी नहीं होंगे, और इसीलिए इन पासपोर्ट्स को सेम टू सेम छापना भी किसी की बस की बात नहीं होती है। नंबर 3, एंटरटेनमेंट वाला मास्क। अब फ्रेंड्स ये कोरोना तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। India's hospitals have never seen anything like this as COVID. एक काम करो, आप ये मास्क ले लो, क्योंकि इस मास्क को पहनने से आप कोरोना से तो बचोगे, पर इसके साथ आपको प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू भी मिलेगा। हाँ सही सुना आपने, पेश है दुनिया का पहला एंटरटेनमेंट वाला मास्क, जो अभी अभी 8 अप्रैल 2021 को ताजा लॉन्च हुआ है। ये है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला सुपर मास्क, जिसमे एंटरटेनमेंट के नाम पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नॉइस कैंसलिंग, हेडफोन्स, माइक्रोफोन कैपेबिलिटी, साइड इनर फैन, एलईडी लाइट्स सब लगे हुए मिलते हैं, जिससे आप हेडफोन से रास्ते में चलते चलते मन करे तो गाना सुन लो, एलईडी लाइट से अंधेरे में टॉर्च जला लो, या साइड में लगे हुए फैन से हवा ले लो। भाई और क्या चाहिए लाइफ में? यही नहीं, HEPA नाम की एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी फिल्टर जो पोल्यूशन और कोरोना को दूर भगाती है, वो भी इस मास्क में लगी हुई है, और ये चीज आपको किसी भी सिंपल साधारण मास्क में कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अब बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की ओर में, कितने में मिलेगा ये मास्क? वेल, ये मास्क आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ $299, यानी कि लगभग 22,500 रुपए में, और ये अमीरों वाला मास्क इस वक्त सिर्फ कनाडा, यूएसए और यूएई में ही बिक रहा है। सो इंडिया के अमीरों, थोड़ा सा सबर कर लो कोरोना के जाने का, क्योंकि इसके बाद बहुत काम आने वाला है ये मास्क। अब फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपके पास जरूर सेविंग्स होंगे, और अगर आप एक स्मार्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो तो आपको सेविंग्स पर हाईएस्ट रिटर्न भी चाहिए होगा, और इसीलिए यहीं पर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बिल्कुल ही लीगल है। अभी इंडिया में काफी सारे लोगों ने इसका पोटेंशियल जाना है और 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। और क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आपको एक सेफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप की जरूरत पड़ने वाली है, जो बिल्कुल ही आपकी आंखों के सामने है, CoinDCX Go, डेवलप्ड बाय इंडियाज लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज और सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप इन इंडिया। CoinDCX Go इजी और सिक्योर ऐप है, और इसका कोई ट्रांजेक्शन चार्ज भी नहीं है, और इसमें फंड सेफ्टी बिटगो ने दी है, और ये ISO सर्टिफाइड भी है, और यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिलता है। और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी जानना है तो आप DCX लर्न को यूज कर सकते हो, और CoinDCX Go में आप मिनिमम 100 rupees डिपॉजिट कर सकते हो, और डिपॉजिट करने के लिए एड मनी के ऑप्शन पर जाके अपने अमाउंट लिख के पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और वो बिल्कुल ही सिंपल और सिक्योर होगा, और इस ऐप में आप बिल्कुल ही लो रिस्क पे होगे। आप इवन 10 रुपए के बिटकॉइंस खरीद सकते हो यहाँ पर। तो डिस्क्रिप्शन में
में दिया गया लिंक, उस पर क्लिक करो और डाउनलोड करो इंडिया का लार्जेस्ट और सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप। नंबर 4, विक्टोरिया का जबड़ा फैन। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, एक टाइम था जब यूके की रानी विक्टोरिया की चड्डी चोरी की गई थी, वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन बार। आखिर क्यों और कौन था वो चड्डी चोर? वेल, महारानी विक्टोरिया किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी और इसीलिए तो सन 1838 से लेकर 1848 तक उनको तीन तीन बार स्टॉक किया गया था, वो भी किसी गबरू जवान ने नहीं, बल्कि एक 14 साल के बच्चे एडवर्ड जोन्स ने, जिसका 16 साल की क्वीन विक्टोरिया पर दिल आ गया था और ये बन गया एक सेलिब्रिटी स्टॉकर। और इतना बड़ा स्टॉकर कि पहली बार तो वो नौकर के भेस में एक साल तक पैलेस में घुसा हुआ था ताकि विक्टोरिया को स्टॉक कर सके, लेकिन सेंट जेम्स स्ट्रीट की पुलिस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वो भी क्वीन विक्टोरिया की अंडरवेयर के साथ, जो इसने अपने पैंट में छुपा के रखा था। चलो, उस टाइम तो ये जेल जाते जाते रह गया था क्योंकि इसे बच्चा समझकर छोड़ दिया गया। बच्चा है, मासूम है, नादान है, रास्ता भूल गया है। और फिर ये सोफे के पीछे पकड़ा गया और इसे डायरेक्टली 3 महीने के लिए सुधार गृह में डाल दिया गया। लेकिन ये बात किसी को भी अभी तक समझ में नहीं आई कि ये क्वीन विक्टोरिया की चड्डी क्यों चुराता था भाई। अब इसका नॉटी जवाब तुम दोगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, नॉटी बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर 5, फिजिक्स की ऐसी की तैसी। अब फ्रेंड्स, ध्यान से देखो इस फोटो को, इसे देखकर क्या आपको लगता है ये रियल है या फेक है? मतलब हाउ इन द वर्ल्ड इज दिस पॉसिबल कि एक रस्सी इन दो पत्थरों को हवा में ऐसे लटकते खड़े रख सके? चलो जाकर तहकीकात करते हैं साइंस लवर्स। तो वेल, सन 2008 में एक इजिप्ट के आर्टिस्ट शाहबान अब्बास ने रस्सी से बंधी ये फ्लाइंग स्टोन स्टैच्यू सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट के कैरो एयरपोर्ट पर आते आते लोगों का अटेंशन पाने के लिए बनाया था, क्योंकि ये कोई ग्रेविटी डिफाइंग स्टैच्यू नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके आंखों का धोखा है। यस, इट्स जस्ट एन इल्यूजन, क्योंकि ये जो दोनों पत्थर आपको दिख रहे हैं वो पत्थर नहीं बल्कि स्टील का जालीदार बर्तन है, जिसे बस कपड़े से कवर करके स्टोन का कलर दे दिया गया है। इनफैक्ट इस पूरे स्कल्पचर का वजन सिर्फ और सिर्फ 5 किलो है, तो जाहिर सी बात है एक रस्सी के सहारे दोनों पत्थर कैसे हवा में लटकेंगे, राइट? और अगर आप जूम इन करके देखो और गौर से, तो आपको दिखेगा इससे बंधने वाली ये कोई रस्सी नहीं बल्कि लोहे का मजबूत खंबा है जो डायरेक्टली जमीन के अंदर से अटैच्ड है। तो अब समझे इस चक्कर के पीछे का घन चक्कर। नंबर 6, बिना खिड़की वाला प्लेन। अब फ्रेंड्स, जस्ट इमेजिन कैसा होगा एक ऐसे प्लेन में ट्रैवल करना जिसकी खिड़कियां ही नहीं हो। वेल, ज्यादा सोचो मत, क्योंकि एक ऐसा प्लेन जल्दी फ्यूचर में उड़ान भरने वाला है। मतलब कुछ भी यकीन नहीं होता ना, तो एक नजारा देख लो। दरअसल एमिरेट्स के प्रेसिडेंट टिम क्लार्क ने बीबीसी न्यूज वालों को बताया था कि वो बोइंग 777-300ER प्लेन्स बनाने वाले हैं, जो नॉर्मल प्लेन से 50% लाइटर होगा, फास्टर होगा और कम फ्यूल खाएगा। कैसे? वेल, वो ऐसे, क्योंकि इस प्लेन में 80% वेट वाले विंडोज की जगह पर अल्ट्रा थिन एंड वेरी लाइट डिजिटल स्क्रीन्स लगी होंगी, जिससे बाहर का नजारा एकदम खुल्लम खुल्ला दिखेगा। लाइक अब से नो विंडो सीट की मारामारी, जहां बैठो वहां से दिखेगा आपको स्वर्ग जैसा नजारा चारों ओर। और तो और वेट कम और फ्यूल का यूजेज कम और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा नहीं निकलेगा और इस तरह इस प्लेन से पर्यावरण भी अति शुद्ध रहेगा। ऑसम इनोवेशन, राइट? लेकिन बस आपको इसकी सवारी करने के लिए एटलीस्ट 2025 तक तो वेट ही करना होगा। नंबर 7, पेट भर के खाओ रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड्स, क्या आपको बहुत तेज भूख लगती है? हर किसी को लगती है, हम सब इंसान हैं। पर आपके पास अक्सर इत्तू से चवन्नी भर पैसे होते हैं, जिससे ना तो आपका पेट भरेगा ना किसी रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी। बट डोंट वरी, दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जो आपको इत्तू से पैसे के साथ भी वेलकम करेगा। बिल्कुल, ये है साउथ कोरिया के सोल सिटी का एक रेस्टोरेंट, जहाँ पर लंच में आप जो भी खाना चाहते हो पेट भर कर खाओ और जितना मन करे उतना खाओ और जितने पैसे देने हैं जितना मन करे बस उतना ही दो। लाइक लेजिट, ये रेस्टोरेंट का रूल है। पर अब मेरा सवाल है कि सिर्फ लंच ही क्यों भाई, ब्रेकफास्ट और डिनर क्यों नहीं? और क्यों ये रेस्टोरेंट वाले हम जैसे भुक्कड़ों पर इतने मेहरबान हैं? तो वेल, साउथ कोरिया के वॉन पैसे के हिसाब से खाना वहाँ पर कॉस्टली होता है और इसीलिए रेस्टोरेंट वालों ने सिर्फ एक टाइम का ही फूड विद नो फिक्स प्राइस रखा है, और वो है लंच का टाइम, ताकि जितने भी गरीब लोग लंच करना चाहते हैं वो कम से कम पैसों में भी भरपेट पेट पूजा कर सके। और अगर कोई पैसे वाला इंसान वहाँ पर आए और इनकी इस चैरिटी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे तो वो लंच के वैल्यू के हिसाब से ज्यादा पैसा दे सकता है। इनफैक्ट रेस्टोरेंट वालों का ये कहना है कि जो भी अमीर लोग इनके रेस्टोरेंट्स में आते हैं वो खुद ब खुद ही ज्यादा पैसा देकर चले जाते हैं, क्योंकि वे इस कॉन्सेप्ट से काफी इंप्रेस्ड रहते हैं। बट
सोल का ये रेस्टोरेंट फूड वेस्टेज के सख्त खिलाफ है और इसीलिए जितना खाना है सिर्फ उतना ही खाना मिलेगा। यहाँ खाना का एक भी दाना बचना नहीं चाहिए और भर भर के डब्बे में घर पे नहीं लेके जाना है। यू नो इंडियन मेंटालिटी, मुझे पर्सनली तो मेरी दादी ने सिखाया। नंबर 8, बिल गेट्स का कहना है कि वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है एक सीडी रोम के अंदर इतना स्पेस होता है कि ये 330,000 पेजेस वाली फाइल को स्टोर करने की हिम्मत रखता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये तो सन 1994 में बिल गेट्स ने ये धासु स्टंट दिखाते हुए कहा था। रब उन्होंने ऐसा क्यों कहा जानना चाहोगे? तो सुनो, दरअसल सीडी रोम मिनिमम 738 मेगाबाइट स्पेस का होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 500 पेजेस 1 MB के बराबर होते हैं। मतलब बिल गेट्स के हिसाब से अगर 330,000 पेजेस सीडी रोम में स्टोर किया जाए, 330,000 डिवाइड बाय 500, 660 मेगाबाइट्स में ही सारा स्टोर हो जाएगा। तो अब समझे कि आखिर क्यों बिल गेट्स ने अपनी जान को जोखिम में डालकर पेजेस पर बैठकर सबको ये थियरी समझाने की कोशिश की थी। क्या स्वैग है बॉस, क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। नंबर 9, रैप वर्सेस कॉमिक। एक रैपर भी कभी कॉमिक आर्टिस्ट हुआ करता था। जी हाँ, ये लाइन एकदम सच्ची घटना पर आधारित है और कहानी के शीर्षक है हिप हॉप सॉन्ग के देवता M&M जी, जो अपने स्कूल के टाइम में कॉमिक आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखा करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, M&M को स्कूल के टाइम से स्टोरी टेलिंग का बहुत ही शौक था और वो कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनने का ख्वाब देखने लगे थे और ये मार्वल के सुपर हीरोज के स्केच भी उन्होंने ही बनाए हैं। पर जब M&M के मामा जी ने M&M को पहली बार एक ब्रेकिन नाम की मूवी दिखाई जिसमें ट्रेसी लॉरेन मैरो नाम की एक फेमस रैपर का रेकलेस नाम का रैप था, तो वो सुनकर M&M के अंदर भी रैपर बनने की उम्मीद शुरू हो गई थी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो रैप के जरिए ही अपने स्टोरी से लोगों को रूबरू कराएंगे और तब से ही इनके मामा जी यानी रॉनी पॉलकिनघान इनके म्यूजिक मेंटोर बन गए। पर जब 1991 में इनके मामा जी का दुखद निधन हो गया, तब M&M में 14 साल की उम्र में रैपिंग स्टार्ट कर लिया और क्लीनिंग आउट माय क्लोजेट रैप से दिखा दिया दुनिया को अपने म्यूजिक के द्वारा स्टोरी टेलिंग करने वाला हुनर। और देखते ही देखते बढ़ती रही इनकी रैपिंग की रफ्तार, आई मीन लिटरली, और धड़धड़ाते हुए बन गए ये रॉक स्टार और सुपर स्टार। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आई एम श्योर आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। और अब एज ऑलवेज बारी है मेरी आपको एक सवाल पूछने की, जिसका जवाब आपको बिल्कुल सही देना होगा। हाँ, वो क्या है जिसे सीधा कर दिया जाए तो पानी पिलाती और उल्टा कर दिया जाए तो दिन कहलाती? इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर हिट करना और अगर ये वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सिर्फ फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ऑल का ऑप्शन दबा के, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।